امين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في سوره الانبياء

बंदों के साथ आपस में हसन सलूक से पेश आए फिर सलाम हो जनाब महमदर रसूल्ला सल्ला सल्लम पर जिनकी सुन्नत पर अल्लाह हमें हमेशा पाबंद ताबंद रखे गामजन रखे और अल्लाह करे कि हमारी वफात इसी सुन्नत पर हो और रोजे महशर अल्लाह मुझे और आपको रसोल्ला वसम की शफात का मस्त बनाए आमीन या आलमीन ज़िम्मेदारान जमईत जम्यद व जमात, मस्जिद कुबा के मुंतज़म शहरी जमयत के ज़िम्मेदारान, उलमाए इक्राम बुजुर्गान मिलत नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों जैसा कि आपने सुना हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से बात करनी है हुकूकुल इबाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत वसी टॉपिक है बहुत वसी मौजू है कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके अल्लाह जितना हमारे नसीब में लिखा है कोशिश करेंगे मुख्तलिफ उसके पहलुओं को उजागर करने की मैंने आपके सामने सुरत अम्बिया की आयत नंबर सैंतालीस पढ़ी हैं जिसमें अल्लाह रबुल्जत फरमाते हैं वन वजी नल्कस्तियाम कल क़ियामत के दिन कल क्यामत के दिन इंसाफ का तराजु रखा जाएगा कल क़ियामत के दिन इंसाफ का तराजू रखा जाएगा फलातुलाम सुनशैया तो किसी पर भी जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा वह इनका नमित कौल अहब्बत इमिन खर दलिन बिहा अगर किसी का हिस्सा या किसी के इंसाफ में राय बराबर भी होगा अल्लाह उसको लेकर आएगा या अगर किसी ने जुल्म किया है राई बराबर राई जानते हैं ना बगार में डाला जाता है उसकी कोई हैसियत है चार में से एक दाना गिर जाए तो मालूम भी नहीं पड़ता वह इनकाना बिहा अल्लाह कहते हैं कि अगर राई बराबर भी रह गया तो हम उसको लेकर आएंगे वह कफा बिना हासिबिन याद रखिए अल्लाह हिसाब करने के लिए काफी है अल्लाह हासिब ना हिसाब सिर यह आय सुरतलिया की है हकूक किसे कहते हैं किसे कहते हैं हक, हक, हक अरबी जबान में बातिल का अपोजिट है ज अल हकू व जक अल बा जब हक आया तो बातिल मिट गया हक का एक और माना इंसान के जिम्मे इंसान के जिम्मे क्या है क्या चीज साबित होती है उस पर मिसाल के तौर पर मस्जिद में बच्चे आते हैं मस्जिद में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं किसी बच्चे को मैंने बिला वजह डांट दिया या किसी को जिम्मेदार बनाया गया है मिसाल कह रहा हूं मिसाल मिसाल होती है। तो जिम्मेदार ने बगैर किसी वजह के लकड़ी उठा दी तरबियत के लिए ही सही अगर इसमें बच्चे पर जरा बराबर भी जुल्म हो कल बच्चा कयामत के दिन आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा मिया बीवी शोहर और बीवी घर में बहुत कुछ होता है ले दे होता है अगर इसमें जबान चलाते हुए पहली बार हाथ की मैंने बात की अब जबान की मियाँ या बीवी दोनों में से कोई एक भी जबान से गुफ्तगु करते हुए या लड़ाई करते हुए जरा सा बढ़कर बोल दिया तो उस पर शोहर अगर बोल दे तो शोहर के ऊपर या बीवी अगर बढ़कर बोल दे तो बीवी के ऊपर हक है क्या हक है जो भी हक है वो कल क्यामत के दिन आएगा अगर तोबा ना करें उनसे माफी ना मांगें ठीक है हम बिजनेस करते हैं तिजारत आसान है जो भी चाहे बिजनेस कर ले है ना आसान है हर कोई बिजनेस करना चाहता है उस बिजनेस में अगर किसी का हम हक मारते हैं मैं डंडी की बात नहीं करूंगा डंडी मारने की बात नहीं करूंगा हक हम किसी का मारते हैं कल क़ियामत के दिन वो हक आएगा आपके पास इसको कहते हैं हक थोड़ी तफसील से हम चलते हैं अहले इल्म में हक की दो किस्में बताई हैं कितनी दो किस्में बताई हैं एक अल्लाह के हकूक हकूक अल्लाह और दूसरा इबाद दूसरा क्या है इबाद. पहला अल्लाह का हक है अल्लाह का हक है कि हम उसकी इबादत करें उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं उससे मांगें हर किस्म की इबादत को उसके लिए खास करें दूसरा हक बंदों का हक है उसी के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं हक़ की दो किस्में हक़ल्ला हक़ल हक इईबाद दो कस्म अलम ने बताई हैं दलील बंदों के हकूक़ के ताल्लुक से सही मुस्लिम की एक रिवायत है मुख्तसर अल्फाज में जिक्र करूँ रसूल आसम ने फरमाया लतुअलहुकू का अला अहलिहा लतुअन का इलाहा यो मलकियामशातहा करना इस दुनिया में बंदों का हक आप अदा करेंगे जो जिम्मे आपके सर पर है वह आप अदा करेंगे वरना क्यामत के दिन वरना क्यामत के दिन सिंग वाली बकरी अगर बगैर सिंग वाली बकरी को मारी है सिंग वाली बकरी अगर बगैर सिंग वाली बकरी को मारी है तो उस बगैर सिंग वाली बकरी को इंसाफ दिलाया जाएगा अल्लाह अकबर जानवर है मुक़ल्लफ नहीं है मुक़ल्लफ नहीं है लेकिन मेरा रब रबा रब कभी मेरा रब जुल्म करने वाला भी नहीं है यानी उस बकरी को भी इंसाफ मिलेगा रसूल रसोसम ने कहा इस हदीस की शरह में इमाम बिन लिखते हैं कि रसोलम ने कसम खाई कसम खाई रसोसम ने हालांकि रसूल सल्लम ऐसे भी बात कहते तो हम मानते रसूल रसुल मस्तूक हैं है, सच्चे हैं आपकी बात को इनकार नहीं करता लेकिन आप ने कसम खाकर कहा वाहकूक इस दुनिया में तुम अपने हक अदा करो तुम्हारे जिम्मे क्या है अदा करो वरना कल की आमद के दिन बकरी को बकरी से इंसाफ मिलेगा बकरी को बकरी से इंसाफ मिलेगा कहा वसल्लम ने आइए आगे, आगे बढ़ते हैं याद रखें अहले अहल जमात के अकीदे के मुताबिक इस्लामी अकीदे के मुताबिक बंदों के अमाल यानी हमारे अमाल हमारे अमाल जब कल क्यामत पेश किए जाएंगे तो तीन टाइप के होंगे तीन किस्म के होंगे हमारे अमाल कितने किस्म के होंगे तीन किस्म के होंगे गौर से सुनिएगा तीन किस्म के अमाल हैं हमारे एक वो अमाल जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा कभी माफ नहीं होंगे कुरान मजीद में मोहर लगा दी गई उस पर सील लग गई है क्या है वो बोलिए शिरक इन यक फिर शरा का भी ही व यक फिर मैदून कली मै अल्लाह तला शिरक कभी माफ नहीं कर सकते इस बीमारी से इस रूहानी बीमारी से अल्लाह में न दे, आमीन या महफूज रखे अकबर है शिरके अकबर अल्लाह शिर कभी माफ नहीं करते इसलिए हमेशा दुआ करना चाहिए अल्लाह में आलम वस्ता आलम बोलिए मनी आऊद बिका अनुश्री का भी कहा वालम विमा लालम रसूल ये दुआ सिखाए कि अल्लाह मैं तोबा करता हूँ हर उस शिरक से जो मैं जानता हूँ जानते बूझते अगर मुझसे शिरक हो जाए मैं तुझसे पनाह मांगता हूं मगफिरत तलब करता हूं अगर नादानिस्ता तौर पर हो जाए अरे अल्लाह तू वो भी माफ फरमा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत दुआ करते हैं मैं और आप शिर्क से महफूज रहें अल्लाह महफूज रखे आमीन या और अबिला एक वो अमल बंदों के अमाल में से एक किस्म वो है जो कभी माफ नहीं होगी बल्कि अल्लाह ने कहा बल्कि अल्लाह ने कहा सूरत आराफ के अंदर कि मुशरिक, मुशरिक, काफिर जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएगा जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक के ऊंट सुई के सुराख में दाखिल ना हो जाए या अल्लाह टेलर को देखें हैं सुई डालने के लिए कितनी कोशिश करता, है परफेक्ट है परफेक्ट हजारों बार डाली है उन्होंने उसके बावजूद भी मुश्किल होती नहीं होती है ऊंट कैसे दाखिल होगा ऊंट कैसे दाखिल होगा यानी हर किस मुशरिक जन्नत में दाखिल नहीं होगा हत्या यली जल जमालूफी समयाब शिरक अगर करते हैं तोबा के बगैर मर जाएंगे याद रखिए जहन्नम है शिरक अकबर अगर है तो जहन्नम है जहन्नम है अल्लाह मुझे और आपको शिरक से महफूज रखे बंदों के अमाल में से दूसरी किस्म दूसरी किस्म बंदों के अमाल में से वो अल्लाह की मशीयत पर मुनहसर है अल्लाह की मशीयत पर मुनहसर है चाहे तो अल्लाह माफ कर दे लेकिन जलाल से उम्मीद है कि माफ कर देगा चाहे तो अल्लाह अजाब दे चाहे तो अल्लाह माफ करे चाहे तो अल्लाह अजाब दे ये कौन से अमाल हैं अल्लाह के हकूक हैं अल्लाह के हकूक हैं बंदा कभी कभार नमाज छोड़ दिया कभी कभार रोजा छोड़ दिया कभी कभार बोल रहा हूं मैं हां याद रखिए जो कभी नमाज को नहीं आता बोलता मोली साहब बोलकर गए अल्लाह चाहे तो माफ करेगा बोले अल्लाह माफ करेगा ऐसा नहीं कभी कभार नमाज छूट गई कभी कभार रोजा छूट गया कभी कभार कोई इबादत में कोताही हो गई अल्लाह रब इज्जत के ऊपर है अल्लाह चाहे तो माफ करे चाहे तो सजा दे लेकिन याद रखिए कि अगर दिल में ईमान है अल्लाह जरूर जन्नत में दाखिल करेगा जन्नत में जरूर जाएगा वो आखिरी जन्नत में जाने वालों में से एक के बारे में रसूल वसल्लम ने कहा लड़खड़ाते हुए वो जहन्नम से बाहर आएगा झुलसा हुआ होगा पूरा पूरा झुलसा हुआ होगा कहेगा ए अल्लाह एक फरमाइश है उस दरख्त के पास आगे कर दे बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा अल्लाह फरमाएंगे क्या तुम इसके बाद कुछ नहीं मांगोगे नहीं मांगूंगा अल्लाह वो दरख्त तक आगे बढ़ा देंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है आप शख्स है जो जहन्नम में सबसे आखिरी एग्जिट लेगा जहनम से एग्जिट लेगा और जन्नत में सबसे आखिरी एंट्री लेगा जब उस दरख्त के पास पहुंच जाएगा बोलेगा ए अल्लाह थोड़ी देर के बाद बोलेगा अल्लाह वो आगे एक और दरख्त है वो इससे अच्छा है मुझे वहां कर दे अल्लाह फरमाएंगे तुमने कहा था कि इसके बाद कोई फरमाइश नहीं करोगे अब तुम कर रहे हो अल्लाह बस उस दरख्त पे पहुंचा दे इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा अल्लाह उस दरख्त के आगे कर देगा उसके बाद देखेगा कि जन्नत के करीब एक और दरख्त है वो और ज्यादा फलदार है और ज्यादा अच्छा है अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह आखिरी ख्वाहिश है बस उस दरख्त के पास पहुंचा दे अल्लाह कहेगा तूने तो कहा था कि कुछ नहीं मांगूँगा तूने तो कहा था कुछ नहीं मांगूंगा बस अब यह है इसके बाद कुछ नहीं अल्लाह वहां पहुंचा देंगे जैसे ही वहां पहुंचेगा जन्नतियों की आवाज़ें उस तरफ आने लगी जन्नतियों की आवाजें आ रही हैं उसको कहेगा अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे अये अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे रसूलुल्लाह वसल्लम मुस्कुराने लगे आप की हंसी आ गई आप ने कहा कि अल्लाह इज्जत मुस्कुराएंगे अल्लाह इज्जत की हंसी अल्लाह इज्जत मुस्कुराएंगे अल्लाह अकबर अल्लाह की शान जैसी है मुस्कुराहट है हम नहीं जानते अल्लाह अकबर तो अल्लाह इज़्ज़त अल्लाह इज़्ज़त उससे कहेंगे कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ वो कहेगा अरे जन्नत भरी हुई नजर आ रही है जन्नत भरी हुई नजर आ रही है जगह नहीं है अल्लाह कहेगा जो दुनिया तुम रह कर हो जो दुनिया उसके दस गुना तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी दस गुना लोग चाँद पे जाके जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कब्र का पता नहीं है कब्र का पता नहीं है जनाजा मस्जिद का कब्र का पता नहीं है लेकिन चांद पे तो लोग जगह बना रहे हैं अल्लाह कहेगा कि दस गुना इस दुनिया के बराबर तुम्हें जगह मिलेगी तो कहेगा ए अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है तो आलमीन है और तुम मुझसे मजाक कर रहा है तस्खा रुबी वन तरबीन अरे तुरबुल आलमीन है मुझसे मजाक कर रहा है अल्लाह फरमाएगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं कादिर हूं हर बात के लिए जो चाहे मैं करूं कादिर है अल्लाह और अजीज है अल्लाह हमें चाहे तो माफ करे और अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेंगे और दुनिया के कई गुना बराबर उसको जो है जन्नत में जगह मिलेगी अरे वो जगह के लिए मरिए उस जगह की तमन्ना कीजिए जो जन्नत में मिलेगी ये घर क्या है यह बिल्डिंग क्या है दुनिया क्या है यह सब फानी है फना होकर जाना है जो परमानेंट है दो बाई और उसका भी पता नहीं चंद सालों बाद दूसरे को दफना दिया जाएगा अल्लाह मुझे और आपको जब तक रखे इस्लाम पर तोहहीद पर रखे सुन्नत पर रखे बंदों का बंदों के अमाल की दूसरी किस्म यह है कि वह अल्लाह की मशीयत पर है अल्लाह चाहे तो माफ करे चाहे तो सजा दे और यह क्या है अल्लाह के हक है नंबर तीन तीसरी किस्म वो है सुनिए तीसरी किस्म वो है जो माफ नहीं होगी यानी जब तक जब तक हिसाब किताब नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ोगे तीसरी किस्म वो है जिसका हिसाब किताब दिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते वो बंदों के हकूक हैं बंदों के हकूक हैं किसी की जमीन मारी किसी पर जबान तराजी की किसी पे हाथ चढ़ाया किसी का माल खाया किसी को मीराश में हिस्सा नहीं दिया फूला 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 जब तक हिसाब नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ोगे आगे नहीं बढ़ोगे इसमें हिसाब देना पड़ेगा और कसाफ के बगैर आगे नहीं चलेंगे अल्लास्तान अब आगे मैं चलकर बताऊंगा क्या तोबा से ये हो जाएगा ख़त्म या बहुत नयिया कर लूँ दस हज करके आ जाऊँ खत्म हो जाएगा इस पर हम बात करते हैं हकूक इबाद की अहमियत के तल्लुक से सुनिए हुकूक इबाद की अहमियत के तालुक़ से कुछ कुरानो हदीस की नसें में आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ ताकि अहमियत वाज हो सबसे पहले सूरतमत सब पढ़ते हैं सुनते हैं याद है ना रहमनि अल्लाह ने कहा तजारत में तजारत में तराजू में डंडी मारने वालों के लिए जहन्नम है नापतोल करने वालों के लिए जहन्नम है कहा अल्लाह ने उनकी खसलत क्या है मुतफिन की जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। और जब देने की बारी आती है तो कम करके देते और याद रखिए जो शख्स देने के लिए दिल बड़ा नहीं करता उसकी बिजनेस में कभी बरकत ही नहीं आती नहीं आती बरकत और जो शख्स कभी कभार दो चार रुपये छह रुपये छोड़ देता है या एक किलो हो गया उसके बावजूद भी बढ़कर कुछ डाल देता है अल्लाह उसके बिजनेस में बरकत देता है देने वाले को अल्लाह जरूर देता है क्यों हर दिन फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह खर्च करने वाले के लिए बरकत अता फरमा अल्लाह बखील के लिए बर्बादी अता फरमा तो दुआ करते हैं देने वाला हाथ चाहिए तो सबसे पहली बात अल्लाह ने सुरतल मुतफिफिन में डंडी मारने वालों के बारे में कहा कि जो डंडी मारते हैं ये नॉर्मल है कोई पीछे पत्थर पहले के जमाने में पत्थर लगा देते थे या फिर जो है जो होता था नापने तोलने का पत्थर उसी को घटा के कर देते थे या अब भी कुछ लोग हैं जब हो गया कम तो निकाल देते याद रखिए जो हक उसको जाना है वो जाना है यहां नहीं दोगे तो कल वहां दोगे कल वहां देना बहुत मुश्किल है वहां देना बहुत मुश्किल है नंबर दो मुस्नद अहमद की रिवायत है सही रिवायत है यह हदीस में सुनाने से पहले बता दूं हमारे पास दुनिया के झगड़े जायदाद को लेकर के जायदाद को लेकर बड़े झगड़े चचा के बच्चे मारकर खा गए भाई मारकर खा गया फुला मार के खा गया खेतों में इतना हमारे अंदर आ गए घर लगाकर बांध लिया बड़े झगड़े बहुत झगड़े जमीनों को लेकर के होते नहीं होते बहुत सारे झगड़े हैं याद रखिए है, रसुल्लासलम ने फरमाया मंजल मशिब अर्द अर्व मंजल मशिब राम मिनल अर्द जो इस दुनिया में एक बालिश्त जमीन बालिश्त स्क्वायर फीट भी नहीं एक बालिश एक बालिश जमीन भी अगर किसी ने जुल्म कर दी कल क्यामत के दिन तू विकहू यो मलकियाम तमिन सब यादिन कल क्यामत के दिन सात ज़मीनें लपेट करके उसके गर्दन में डाल दी जाएंगी के हिसाब देना है ज़मीनें, बल्कि एक रिवायत में मुसनद अहमद ही के अल्फाज ये हैं कहा जाएगा कि खो ये जमीने जब वो खोदेगा तो उसके गर्दन में लाद दी जाएंगी अल्लाह मुस्तान अब नहीं दोगे तो सात गुना कल देना है सूद समेत नहीं वो रब का इंसाफ है देना पड़ेगा आपको अल्लाह ये जमीन क्या है ये जमीन क्या है ये घर क्या, क्या है असल घर तो हमारा जन्नत में है है कि नहीं इन बोलिए अल्लाह मुझे और आपको हर सुनने वाले को बगैर हिसाबो किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए या रब क्योंकि हिसाब व किताब होगा तब मुश्किल पेश होगी अल्लाह बगैर हिसाब दाखिल फरमाए तीसरी हदीस है इस जमीनों के झगड़े के ताल्लुक से मैंने दो दलीलें पेश की हैं वजह क्या है यह सुनिए सही मुस्लिम की रिवायत है सही मुस्लिम में है अरवा बिनते उवैस नाम की एक लड़की थी एक औरत थी अरवा बिनते उवैस क्या नाम था अरवा बिनते उवैस इस औरत ने बनो मैया के एक खलीफा के सामने मुकदमा दायर किया क्या अर्जी दायर की अरवा ने के सईद बिन जैद ने सईद बिन जैद ने मेरी जमीन मार ली है सईद बिन जैद ने मेरी जमीन मार ली है जुल्म किया मुझ पर मरवान बिन हकम ने बुलाया पूछा सईद बिन जैद से सईद बिन जैद कौन है जानते हैं आप वो तबीयी हैं सईद बिन जैद बिन नुफैल साहबी हैं जिनको जो आशर मुबशर में से हैं आशर मुबशरा में हैं, और यकीन साहबा में से बाज ऐसे थे जिनके अल्लाह कभी दुआ रद नहीं करता था दुआारद नहीं करता मरवान बिन हकम ने बुलाया बुला करके पूछा ए सैद बिन सैद ए सईद बिन सैद क्या तुमने फुला औरत की जमीन खाई है या जमीन मार ली है सईद बिन जैद रज फरमाते हैं खलीफा वक्त जिस आदमी ने रसूल से यह हदीस सुनी हो जो अभी मैंने आपको सुनाई जिस आदमी ने रसूल से यह हदीस सुनी हो कि जो दुनिया में ल्म करेगा तो कल क़ियामत में सात गुना उसके गले में डाल दिया जाएगा वो कैसे जुल्म कर सकता है वो कैसे झुल्म कर सकता है मरवान बिन हकम ने कहा आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दी यही दलील मेरे लिए काफी है आपसे और दलील की जरूरत नहीं गवाही की जरूरत नहीं आप भेज दिया तो सईद बिन जैद रजी अल्लाह तला ने हाथ उठाकर दुआ की सईद बिन जैद रदीला ने दुआ की अय अल्लाह अय अल्लाह अगर यह औरत झूठी है अगर यह औरत झूठी है तो इसे अंधी कर दे बदुआ की उन्होंने अगर यह औरत अंधी है तो इसे अगर यह औरत झूठी है तो इसे अंधी कर दे और उसके घर ही को उसका कब्रस्तान बना देगा जानते हैं? रावी लिखते हैं उस औरत को मैंने देखा कि अंधी हुई अपने घर में दीवारें टटोलती थी वो दीवारें टटोलती थी चलने के लिए अपने ही घर में अंधी अंधी हुई क्योंकि उसने जुल्म का मुकदमा दायर किया और झूठ जूट किया झूठा मुकदमा दायर किया दीवारें टटोलती थी आखिर वो अपने ही घर के कुएं में गिरकर मर गई अपने ही घर के कुएं में गिरी और वही उसकी कब्र बन गई अल्लाह बदुआ से बचिए बदुआ से बचिए आसान लगता है किसी पे जुल्म करना मजलूम की बदवा लग गई दुनिया में भी रसो आखिरत में भी रसो कितने बड़े मालदार कितने बड़े मनसब वाले क्यों ना हो लेकिन मेरा रब अगर जलील करने पर आए तो जलील करके छोड़ेगा जुल्म मत करो जुल्म मत करो बदुआएं लगती हैं बदवाएं लगती हैं कोई हिजाब नहीं है आइए चौथी दलील सही बुखारी की रिवायत है अबू हरेर तुन से मस्जिदों के ज़िम्मेदार हम बनते हैं घर के ज़िम्मेदार हम हैं अवकाफ़ के ज़िम्मेदार हम बनते हैं हमें किसी किसी खजानची बनाया जाता है अमानतदार समझ कर बनाया जाता है अगर हम अपने मनसब का अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करें जो चीज हमें जायज नहीं है अगर उसको उठा लें याद रखिए कल अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा चाहे आप शहीद हो जाए चाहे आप हाजी हो जाए चाहे आप शहीद हो जाए अल्लाह की राह में हाजी हो सारी अंबार जैसी नेकिया हो लेकिन अगर आपने जुल्म किया है अगर आपने जुल्म किया है औकाफ की जमीन हड़पी हो या मस्जिद का माल खाया हो याद रखिए जहन्नम की आग में आप तपेंगे जहन्नम की आग में आप तपेंगे सुनिए सही बुखारी की रिवायत है कहते हैं अबू अबूर कि हमने खैबर को फतह किया खैबर फतह हुआ वहां जब माले गनीमत आया सोना चांदी नहीं आया कपड़े गाय बकरियां ऊंट घर का साजो सामान ऐसी चीजें हमें आई ज़मीनें आई उसके बाद वहां से निकले वादी कुरा में गए वादी कुरा एक जगह का नाम है जाकर उसका घेराव किया वहां जिहाद करना था रसूल के साथ वादी कुरा में उसी दौरान उसी लश्कर में एक आदमी था एक आदमी था जिसका नाम मुदायम था मुदायम को अचानक एक तीर लगा तीर आया आकर के उसको लगा और उसी में वो शहीद हो गए सबक राम रजन ने कहा कितना खुश नसीब है कितना खुश नसीब है कि इसे शहादत मिली है कितना खुश नसीब है कि इसको शहादत मिली है तो रसोल्लासलम ने फरमाया नहीं नहीं, वो कपड़ा वो चादर जो उसने खैबर के माल गनीमत से चुराई थी वो चादर शाल शाल जो खैबर के मालिक गनीमत से उसने चुराई थी उठा ली थी मालिक गनीमत में लाके नहीं रखा था उस चादर की वजह से आग के लपेट में है कहा रसूलुल्लाह नारा, उस चादर की वजह से आग में लपेट में है मस्जिद का कुछ भी उठा के निकल जाते हैं बाज लोगों को आदत है किसी भी नमाजी के चप्पल पहन कर चले जाते हैं हरब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मस्जिद नबी में बोलते हैं यहाँ तो जायज़ है अरे जहाँ जुर्म कर रहे हो जगह तो देखो वहाँ जुर्म की सज़ा भी बड़ी है किसके भी चप्पल पहन कर चले जाओ हो जाता है नौज बिल्ला मस्जिद का लोटा है मस्जिद में बहुत है मैं ले गया तो क्या हुआ याद रखिए मस्जिद का माल है चोरी करना कहाँ चोरी कर रहे हो मुकाम के अतबार से गुनाह भी बढ़ जाता है मुस्तान. अल्ला अल्लाह हमें जब कोई जिम्मेदारी दे तो ज़िम्मेदारी निभाने की ताकत भी अता फरमाए आमीन या अबालमीन आइए नंबर पाँच इमाम बुखारी रही ने इस रिवायत को नकल किया है इससे पहले ये बता दूँ मैं हम इंजीनियर हैं बड़े बड़े काम करने वाले हैं किसी किसी को माशाला बी करने का यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है हम क्या करते हैं अपने नीचे लेबर्स रखते हैं या अपने घर भी किसी को काम के लिए बुलाते हैं या अपनी कंपनी में किसी को तनख्वाह पे रखते हैं या घर में काम वाली आती है काम करके जाती है तनख्वाहें देने में सुस्ती करते हैं करते नहीं करते सुस्ती करते हैं सच बोलो करते नहीं करते सब की आदत है जी हाँ इस्लाम ये कहता है जब कोई मजदूरी मेहनत करे उसका पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो ठीक है मस्जिद में हैं हम मैं बोलने से गुरेज नहीं कर रहा अलहमद हम पैदा होने से पहले अलहमद आप मदरसे से आलिम बन चुके हैं अल्लाह ने नेमा को जिम्मेदार बनाया है बहुत अच्छी बात है अलहद इसलिए मैं बड़ी जुरत से बात कह रहा हूँ आलिम है मेरे साथ इसलिए बड़ी जुरत से हम मस्जिदों में को रखते हैं माजनियन को रखते हैं उनकी तनख्वाहों में उनकी तनख्वाहों में डंडी ना मारें मोली साहब को क्या करना है इतनी बड़ी तनख्वाह को कि मोली साहब इंसान नहीं मोजुन साहब इंसान नहीं आपको वीआईपी सर्विस देने वाले कौन है मस्जिद में आपके घर में आपकी बीवी एक काम ना करे तो बिगड़ नहीं जाते आप मस्जिद में पंखा चाहिए लाइट चाहिए सफाई चाहिए हर किस्म की सहूलत आपको चाहिए और वही मस्जिद के लिए सौ रुपए डिब्बे में डालने के लिए आपका होता नहीं होता अल्लाह से डरें मस्जिदों का ख्याल रखें और जो जो भी जहां भी जिनसे आप खिदमत लेते हैं उनकी खिदमत की खिदमत का जो है उन्हें हदिया बराबर दें आइए सुनिए अगर कोई इंसान किसी को खिदमत पर रखता है अगर उसकी उजरत ना दे अगर उसकी मजदूरी वक्त पर ना दे क्या होगा क्या होगा क्या होगा हदीत कुदसी है मैंने हवाला सही बुखारी का दिया है अबू हुर रजील्ला फरमाते हैं मैं रावी का नाम उमन भूल रहा हूँ सही बुखारी की रिवायत है कि रसोल्लासम ने फरमाया अब फरमाते हैं योमकयामा अल्लाह ने कहा कि तीन लोग ऐसे हैं जिनके लिए जिनके मद मुकाबल जिनके लिए मद मकबिल अल्लाह खुद खड़ा होगा अल्लाह हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा अल्लाह तो मुस्तान तीन लोग हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद झगड़ा करेंगे उनमें से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया رجل استأجر اجيرا فاستوفى वो आदमी जिसने किसी को काम पर लगाया मजदूरी पर लगाया और पूरा पूरा काम लिया उससे वलम यूफी हक कहू और उसकी उजरत नहीं दी उसकी मजदूरी नहीं दी कल क्यामत की अल्लाह उसके मुद्दे मुकाबिल खड़ा होगा हक दिलाएगा अल्लाह उसको हक दिलाएगा लिहाजा अ मजदूरी करने वालों, वालो खिदमत गुजारो अगर इस दुनिया में ना मिला कल जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब अल्लाह तुम्हें दिलवाएगा अल्लाह तुम्हें लड़कर दिलवाएगा पूरा हक दिलवाएगा लिहाजा जब किसी से मजदूरी करवाओ बिल्डिंग में कहीं पर भी खबरदार उसका हक ना मारना अगर वो चला गया वो चला गया और उसने रब के आगे हाथ उठा लिए तुम्हारी दुनिया भी गई आखिरत भी गई अल्लाह जलील करके छोड़ेगा जलील करके छोड़ेगा तुम्हें कभी किसी पे जुलम मत करना हक पूरा दे दो चाहे तुम्हें इस दुनिया में जिल्लत उठानी पड़े लेकिन आखिरत की तो रसोई नहीं होगी आखिरत की रसोई नहीं होगी तो रसुल ने कहा अगर किसी ने किसी को काम पर लगाया पूरा काम लिया और उजरत नहीं दी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके मद्दे मुकाबिल खड़े होगा और झगड़ा करवा करके दिलवाएगा और उसके अलावा देखें हमारे पास अमूमन माहौल में यह है कि शादी हम लड़कियों की करते हैं शादियां करते हैं बच्चियों को शादी में जहेज देते एक तो देना नहीं चाहिए देना नहीं चाहिए अब बोलती मुल साहब अल्लाह देखो है मेरे बच्चा वस्ते कमाया लड़कों को भी दो जहेज लड़कों को भी जहेज दो ना वहां ये नहीं बोलते आप क्या अल्लाह मुझे देखो है बोल को कि 28, 30 साल का होगा तो भी लड़की लड़के को शादी नहीं करते नहीं करते साहब कमा को दाल दे शादी कर डाले तो जोरू का हो जाता चले लड़के को जहेज नहीं देते यहां नहीं बोलते अल्लाह देखो है ना कमाया तो बेटे को वस्त ना जहेज दिए चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दे दिया शादी कर दी उसके बाद मरते वक्त वसीयत करते हैं बेटियों को क्या भी नहीं है इसमें बेटियों को मीरास में नहीं क्यों इत तोलेता डाले उत्ता डालिया इतना डाल को शादी कर दिया याद रखिए बच्चों के साथ जुल्म ना करें जुल्म ना करें नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तु कहते हैं उनके वालिद बशीर अल्लाह रदील्ला तसूल के पास आए और बोले अल्लाह के रसूल मेरी बीवी टी मेरी बीवी मेरी बीवी नुमान की माँ जबरदस्ती कर रही है क्या कि ये ऊंट में नौमान को देना ये ऊंट में नमान को देना और बोल रही कि गवाह आप बनना कौन रसुलसलम गवाह कौन बनना रसुलसलम सासल। आप पूछे क्या तुम्हें हर बेटे को दिए क्या हर बेटे को ऊंट दिए क्या बोले नहीं तो आप ने कहा जाओ झूठी गवाही मैं नहीं देता अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो बच्चों के दरमियान इंसाफ करो सबको बराबर दो तब आओ गवाही के लिए याद रखिए आपकी जिंदगी में आपका माल है वो आपकी जिंदगी में आपका माल है शरीयत के मुताबिक अगर दे रहे हो तो अल्लाह के पास पूछ नहीं होगी आपके मरने के बाद वो आपका नहीं है अगर आप मरने के बाद आपका नहीं है अगर उसमें आप हक तलफी करके जाओगे कल पूछे जाओगे सुनिए हदीस अबू दाऊद और तिर्मिजी की रिवायत है इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह ने रिवायत को हसन सही कहा कहते हैं कि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी साठ साल अल्लाह की इबादत करता है करती है साठ साल अल्लाह का अल्लाह की इबादत करती है इबादत करता है यानी इबादत गुजार बंदा है मरने से पहले वसीयत में जुल्म कर देता है मरने से पहले बेटियों को हक नहीं वो बेटे को हक नहीं उन्हें जोरों को लेकर अलग होगा उसे हक नहीं उन्हें मरे तो मेरा मुंह नहीं देखना आओ जुबिल्ला वसीयत में जुल्म लिख करके मर जाता है क्या कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया اللهم استان فيضررني في الوصيه فتجب له من نار ऐसा आदमी जो 60 साल इबादत करता रहा 60 साल अल्लाह की इबादत करता रहा उस वसीयत की वजह से जहन्नम में चला जाएगा झूठी वसीयत की वजह से या जुल्म की किस पे जुल्म अपने बच्चों पे अपने बच्चों पे आपके बच्चे भी इंसाफ का हक रखते हैं सबके साथ इंसाफ कीजिए सबके साथ इंसाफ कीजिए अल्लाह अकबर आखिरी जो हदीस में आपको अहमियत के ताल्लुक से सुनाना चाहता हूँ वो ये है अमूमन अमूमा हक़ क्या है हकूक इबाद ये है कि आप इस दुनिया से रुखत हों आपका जनाजा उठे आप पर किसी का हक ना रहे जबान का भी नहीं हाथ का भी नहीं माल का भी नहीं जमीन का भी नहीं कोई हक नहीं हो कोई हक ना हो आप पाक होकर इस दुनिया से जाएं, दुनिया की दौलत ना लेकर जाएं आप दुनिया की दौलत ना लेकर जाएं, लेकिन अपने सर पर दुनिया का बोझ भी लेकर ना चाहें लोगों का हक लेकर ना चाहिए सही बुखारी की रिवायत है रसूलुल्लाह रसूल ने फरमाया मनकान लहू मतलम अगर किसी के पास किसी का जुल्म है हक है किसी के पास किसी का जुल्म है हक है इस दुनिया में साफ साफ करके जाए गलती हो गई जाओ माफी मांग लो माफी मांग लो इस दुनिया में माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता कल की आमद के दिन मुश्किल में पड़ोगे कल की आमद के दिन मुश्किल हो जाएगी अगर गलती हो गई जाओ माफी मांग लो कह लो कि मेरा मैंने गलती की है मैंने गलती की है आप माफ कर दीजिए अल्लाह आपको माफ करेगा किसी से भी आपकी गलती हो अगर किसी की जमीन ली है अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम इस दुनिया में वापस कर दो याद रखो कल कयामत के दिन दे नहीं पाओगे कयामत के दिन नहीं दे पाओगे अगर किसी का माल लिया है गलती से ले लिया है आपने जाइए माफी मांगिए माफी मांगिए माफी मांगकर लौटा कर आ जाइए लौटा कर आइए वो माल वरना कल कियामत के दिन ना कोई दिरहम होगा ना दीनार होगा ना डॉलर होगा ना पैसा होगा सिर्फ तुम्हारी नेकियां खर्च कर सकते हो दिन नेकियां बचाना पड़ता है कहां से नेकियां दोगे अगर वो नेकियां भी नहीं रही तो उनके गुनाह लाद लोगे अपने ऊपर इस दुनिया में जो देना है दे दो मरकर जाओ तो साफ लिस्ट रहे तुम्हारी लिस्ट साफ रहे किसी का हक ना रहे फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल कबल अल्लाह दिनारम कबल इसके के जब दिनार और दिरहम काम नहीं आएगा उससे पहले अपना हिसाब क्लीन कर लो वरना कल कयामत के दिन यह होगा अपनी नेकियां उन्हें दोगे नेकियां नहीं रही, तो उनके गुनाह अपने ऊपर लाद लोगे अल्लाह ला में तोबा की तोफीक नसीब फरमाए याद रखिए अगर किसी का हक है किसी पे मैंने जुल्म किया है जबान से बोलकर तकलीफ देकर पड़ोसी किसी भी तरह से मैंने जुल्म किया है क्या मैं तोबा कर लूं तो माफ हो जाएगा माफ होगा बताओ मुझे माफ होगा नहीं माफ होगा तोबा से तोबा से माफ नहीं होगा अगर मैं बहुत निकिया कर लू माफ हो जाएगा नहीं माफ होगा जब तक कि वो जुल्म ना लौटा सही तोबा उस वक्त होगी जब वो जुल्म ना लौटा तुम्हें। आप जुल्म नहीं लौटाएंगे तो आपकी तोबा भी कबूल नहीं है आपको इस दुनिया में लौटाना पड़ेगा अगर वो मर गया है तो क्या करोगे जिसपे जुल्म किया तुमने जिसे गालियां दी जिसपे जुल्म किया अगर वो मर गया तो क्या करोगे कैसे तुम अपनी तोबा करवाओगे जब अल्लाह बंदों के हकूक माफ नहीं करता है? कैसे माफ करवाओगे इल्म कहते हैं कि अगर कोई सा हक है तो जाओ उसके वारिसीन को दो उसके वारिसीन को लौटाओ अगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया तो अगर उनके बच्चे उसके भाई लेने से इनकार कर दे तो क्या करोगे उसकी खबर पर डालोगे ले जाकर नहीं होगा नहीं होगा तौबा इस दुनिया में करनी है जब तक वो जाग रहा है वो जिंदा है मां बाप है तो मां बाप के सामने जाओ मांगो गिड़गिड़ा कर उनसे माफी मांगो उनका हक हाँ उन्हें दो अगर भाई है बहन है जाओ माफी मांगो उसका हक हाँ अदा करो अगर नहीं करोगे तुम्हारा जनाजा भारी हो जाएगा जनाजा भारी हो जाएगा तुम्हारे बदकरतूतों से तुम्हारे जुल्म से जुल्म से भारी हो जाएगा वरना उठाने वाले पत्थर भी उठा लेंगे पत्थर भी उठा लेंगे हाथी का जनाजा भी उठा लेंगे लेकिन अपने करतूतों का क्या करोगे जुल्म करके मत जाओ जबान की हिफाजत करो सुर यासिन में अल्लाह ने फरमाया माफिम वह तुकल्ले मुनाशद जुलूम भी माकर उस दिन हम उनके मुंह को मोहर लगा देंगे सील लग जाएगा मुंह पे हाथ बात करेंगे पैर बात करेंगे पैर बात करेंगे हाथ बात करेंगे लेकिन जबान नहीं कहेगी इस दुनिया में सिर्फ तोबा से काफी नहीं है आपकी अंबार बड़ी नेकियां भी काम नहीं आएंगी वो सब कल खर्च हो जाएंगे लिहाजा यहां का हक यहां देकर जाइए जुल्म मत कीजिए किसी पर याद कीजिए अगर आपको आदत है जुल्म करते हैं भूल जाते हैं आपको आदत है अगर जुल्म करते हो भूल जाते हो याद नहीं रहता आपका दिल मर गया आपको चोरी की आदत हो गई आप जालिम हैं डाकू हैं आप आपका जिस्म आपका जिसम एक ढांचा है लेकिन मरा पत्थर वाला दिल लेके आप गुजर रहे हैं। कैसे नींद आती किसी पे जुल्म करके कैसे नींद आती है तके पे सर कैसे आपका जाता है जब आपके ऊपर जुल्म वाला अंबार हो किसी का हक आपने मारा हो किसी को तकलीफ आपने दी हो मां बाप को अगर आपने तकलीफ दी आप सोते कैसे हो आंखें बंद कैसे होती हैं कहीं आंखें हमेशा के लिए ना बंद हो जाए ये हाथ हमेशा के लिए उठना बंद हो जाए क्या करोगे कयामत में दोगे तौबा करें तौबा करें नजात का रास्ता क्या है अगर बंदों के हकूक बहुत ज्यादा हैं, तो नजात का रास्ता तो कोई होगा मुख्तर अंदाज में कुछ रास्ते में आपके सामने रखता हूं सबसे पहला रास्ता सबसे पहला रास्ता याद रखिए याद रखिए कि जुल्म कल कियामत के दिन आपके लिए तारीकी बनकर आ जाएगा अंधेरा बनकर आएगा यह जुल्म कल कियामत के दिन अंधेरे बनकर आ जाएगा उस दिन रोशनी नहीं होगी खबर में कौन रोशनी लेकर आएगा आपके पास कल कयामत के दिन खासकर जब पुलसिरात से गुजर रहे होंगे कल पुलसिरात से गुजर रहे होंगे कोई रोशनी आपके पास नहीं होगी और रोशनी भी जुल्म की वजह से भारी होकर कमजोर हो, हो जाएगी और गिर जाओगे जहन्नम में उस वक्त म होगा आपके जुल्म पहाड़ होगा तो यह म का बोझ इतना कंधे पर होगा कि पुल सिरात पर गुजर नहीं पाओगे गिर जाओगे याद रखो यह म कल तारिकियां बनकर आएगा जुलूमतिया का रसुल्ला नंबर दो याद रखिए मजलूम की दुआ के लिए कोई रुकावट नहीं है किसी पे जुल्म किया आपने सीधे अल्लाह तक पहुंच जाती है ले सबई नह वही सबई नहा वही ना यही चाप मजलूम की बदुआ अल्लाह के पास सीधे पहुंचती है अगर बदुआ कबूल हो गई बेड़ा गर्क है तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया क्यों जुल्म करे भाई ईमान है तो मजलूम की बदुआ से बचिए नंबर तीन याद रखिए कि हकूक अईबाद हकूक इबाद बंदों के हकूक हिसाब चुकता करके ही जाना है अल्लाह के पास जन्नत में जाने के लिए हिसाब चुकता करना पड़ेगा उस चीट को क्लियर करना पड़ेगा आपको रसूल वसल्लम ने फरमाया मशहूर हदीस है आप सोसम फरमाते हैं पूछा बेचारा कौन मालूम क्या बेचारा का तो हमारे पास बेचारा गरीब पैसा नहीं है आप ने पूछा जानते हो बेचारा कौन है साहबा ने कहा अलमुफी हमारे दरमियान बेचारा वो है जिसके पास पैसे नहीं घर नहीं दौलत नहीं वो बेचारा है अल्लाह रसूल हु आलम अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते तो रसूल ने कहा बेचारा मेरी उम्मत का वो है मेरी उम्मत का बेचारा वो है जो कल क्यामत के दिन नेकियां लेकर आएगा रोजे लाएगा ज़कात लाएगा सदकात लाएगा खैरात लेकर आएगा नमाजें लेकर आएगा लेकिन साथ ही साथ उसे मारा होगा उसे गालियां दी होंगी उसका हक मारा होगा उस पर जुल्म किया होगा उसका माल खाया होगा तो ये सब भी आ जाएंगे बोलेंगे अल्लाह मेरा हक मेरा हक मेरा हक मेरा हक मेरा हक नेकियां उठाकर बांट दी जाएगी ऐसे ही नमाज के लिए नहीं आते वह ऐसे ही रोजे कम रखते वह ऐसे ही जकत नहीं देते सदकात के लिए दिल नहीं हाथ नहीं है अगर कुछ किया भी है तो कल उसको उठाकर देना पड़ेगा नहीं देता बोल नहीं सकते नहीं देता बोल नहीं सकते कट जाएगा आपकी रसीद से उधर निकल जाएगा अब नैकियां खत्म हो गई लेकिन अब भी लोग बाकी हैं आप बाज लोगों को देखते हैं माशाला बड़े नमाजी हैं नमाजी हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि उनका किरदार मुसलमान वाला किरदार नहीं है किरदार मुसलमान वाला नहीं है बिजनेस में बराबर नहीं जबान पे बराबर नहीं किसी के साथ मामला में बराबर नहीं रिश्तेदारी में बराबर नहीं याद रखिए नमाज बुराइयों से रोकती है नमाज बुराइयों से रोकती है अगर सही मानों में इंसान सच्ची नमाज पढ़े अल्लाह उसे बुराइयों से बचाएगा लेकिन हमारी नमाजें अल्लाह माफ करे घर की कौन सा बीवी क्या लिस्ट दी याद नहीं आया तो नमाज में याद आया तो नमाज में सारे ख्याल ढूंढते हैं हम लोग इमाम साहब कितनी प्यारी आवाज में कुरान पढ़े हमारे दिल कांपते नहीं, नहीं कांपते क्यों तेलुगु में नहीं पढ़े ना कुरान पढ़ना सीखिए कुरान पढ़ना सीखिए कुरान पढ़ना सीखिए यह आपके लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई है यह शान है यह मेहराबों पर नहीं अपने दिलों में बसाइए अपने किरदार में बसाइए पढ़िए कुरान पढ़ाइए कुरान रसूल ने फरमाया कल के जब नेकियां खत्म हो जाएंगी अल्लाह उन लोगों के गुनाह उठाकर इस पर लाट देगा और जहन्नम में फेंक देगा जहन्नम में फेंक देगा अल्लाह हमें इससे बचाए लिहाजा ये दुनिया है याद रखिए नंबर चार याद रखिए जैसी करनी वैसी भरनी जो करोगे जो बोगे वही निकलेगा आम का बीज बोए तो जाम नहीं निकलता हाँ अगर नारियल बोए बोगे, बोगे खजूर तो नहीं निकलेगा जो बोगे जैसे करोगे वैसे भरोगे शरीयत का कायदा है अलजा उमनजन सिल आप जैसे करेंगे उस करतूत का आपको उसका अंजाम मिलेगा जैसे रसूल सासम ने कहा कि रिश्तेदारी तोड़ोगे रिश्तेदारी तुम्हें तोड़ेगी रिश्तेदारी तुम जोड़ोगे अल्लाह तुम्हें जोड़ेगा अलामन वसला नहीं वसल्ला व मन कत नी रिश्तेदारियां जोड़ते हैं हम लोग छोटी छोटी बात से रिश्तेदारी तोड़ लेते हैं बहन भाई की रिश्तेदारी नहीं सास बहू की रिश्तेदारी नहीं खून की रिश्तेदारी नहीं है दुनिया से मरते हैं कई लोगों का, कई लोगों लोगों का से हमारी रिश्तेदारी कटी हुई है नंबर दो उसी तरह वसल्लम ने फरमायाद जो लोगों के पास माल लेता है कर्ज अब बोलने की जरूरत नहीं कितनी कंपनियां मुसलमानों को डुबाई अफसोस के साथ हमें हमारे सलफी भाइयों को कितनी कंपनियों ने डुबाया फरमाया जो लोगों का माल इसलिए लेता है ताकि उन्हें लौटाए नीयत यह है, है कि मैं वक्त पर लौटा दूंगा कर्ज लेते हैं बिजनेस के लिए डालते हैं बोलते हैं कि लौटाऊंगा अगर नीयत सही है अल्लाह मदद करता है अल्लाह उसकी तरफ से अदा करते हैं यानी आसानी पैदा करते हैं और जो इस नीयत से लेता मन सोचता है अल्लाह उसे भी बर्बाद करके छोड़ता है। वो माल भी बर्बाद कर देता है उसे भी बर्बाद करके छोड़ता है नीयत आपकी कैसी है जैसी करनी वैसी भरनी तीसरी मिसाल बाद लोगों को आदत सी रहती है कि हर एक के पीछे उनके घर क्या हो रहा है उनके घर क्या माफ करना खासकर बुजुर्ग औरतों में यह बात रहती कि अगर कोई इंसान किसी के आयब के पीछे लग जाता है किसी की जासूसी करता है उसकी बुराइयों को देखना लगता है अल्लाह उसके पीछे लग जाते हैं अगर किसी की जासूसी किसी के बारे में उसकी बुराई खोजने खोदने लगता है अल्लाह उसके पीछे वमन तब अल्लाह ही फजह है और जिसके पीछे अल्लाह लग गया अल्लाह उसे रुसवा करके ही छोड़ता है अल्लाह रुसवा करके छोड़ता है लिहाजा मुसलमानों के रास के पीछे ना पड़े मुसलमानों की जासूसी ना करें मुसलमानों के खिलाफ जासूसी ना करें कुछ चीजें देख करके भी नजरअंदाज करें क्यों आज यहां पर्दा डालोगे कल अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालेगा जैसी करनी वैसी भरनी लोगों के मुसलमानों के पीछे लगे रहोगे अल्लाह आपके पीछे लग जाएगा पांचवी बात आप अच्छे मुसलमान उस वक्त तक नहीं होते आप अच्छे मुसलमान उस वक्त तक नहीं कहलाओगे जब तक कि आपके हाथ भी मुसलमान हो आपके पैर भी मुसलमान हो आपका दिल भी मुसलमान हो आपका किरदार भी मुसलमान हो आप अपने लिए जैसा चाहते हैं अपने भाई के लिए भी वैसा चाहें रसूल सरमाया मिन अलमसलिमिस ही वैदी अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ पैर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें ऐसा होता है क्या अपने हाथ से अपने पैर से कितनी तकलीफ हम देते हैं देते नहीं देते एक बड़ा काम करती हमें क्या किसी को पैर लगा तो सॉरी लेकिन जो दिली तकलीफ होती उसका एहसास कभी नहीं होता जो जबानी तकलीफ होती उसका एहसास हमें नहीं है लेकिन जरा पैर लग गया तो हिंदुओं की रस्म है जानते ना हिंदुओं के पास ब्राह्मण ऊपर से नीचे से जो पैदा हुआ उसे शुदर मानते हैं यानी निचली जात का तो पुराना यह है उनके पास कि अगर पैर टैच हो गया तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी हाँ वो चीज हमारे अंदर मौजूद है वो करते हैं लेकिन गाड़ी लेकर जाते जाते भी अगर छील कर चले गए तो गलती तुम्हारी देखो नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान जिसकी जबान जिसका हाथ जिसके पैर मुसलमान हो अपने से किसी को तकलीफ ना दे नंबर छ हमारा इस्लाम जानवरों के साथ भी रहमत सिखाता है रहमत बनकर आए हमारा इस्लाम रहमत बनकर आया है आप जानवरों के साथ भी रहमत कीजिए रहम कीजिए जानवरों को भी तकलीफ ना दीजिए फिर इंसान को क्यों तकलीफ दें फिर मुसलमान को क्यों तकलीफ दें फिर अपने भाइयों को क्यों तकलीफ दें इंसान इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है मुसलमान को आप ने इतना तक कह दिया वो औरत जिसने बिल्ली को बांध कर रखा ना खाना देती थी ना पानी देती थी मर गई जहन्नम में चली गई वो औरत बदकार थी लेकिन कुत्ते पर रहम किया अल्लाह ने उस रहम के बदले उसे जन्नत में दाखिल कर दिया इस्लाम रहम करम सिखाता है लिहाजा अपने भाइयों के साथ अपने साथ रहम का मामला करें आखिरी बात जो मुझसे कहनी है वो ये है कि आप से बचें हक़ूक़ली बात अदा करें साथे साथ दुआ भी करें दुआ बहुत ज़रूरी है हम सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ते सुबह शाम की दुआ में एक दुआ है अल्ला फ़ातवाबी व शहादा रब्लिस वमली कहो अशदअाल्ला अंत नफसी व शैतान वीशर की अजर मुस्लिम इंसान दुआ करता है हर दिन सुबह भी शाम भी अय्लाए अल्लाह मुझे बचा शैतान के शर से पूरी दुआ ने मैं आखिरी का तर्जुमा करूँ शैतान के शर से और मुझे बचा कि मैं किसी मुसलमान पर जुर करके ुम करूँ किसी मुसलमान पे जुल्म करो इससे मुझे बचा या फिर किसी मुसलमान के लिए तकलीफ खींच कर लेकर मुस्तान तकलीफ नहीं देते लेकिन तकलीफ का जरिया भी ना बनू दुआ करनी चाहिए लिहाजा दुआओं से मुसीबतें टलती हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तला मुझे और आपको हकूक इबाद में साफ रखे बंदों की जिम्मेदारियां अदा करने की तोफीक नसीब फरमाए याद रखिए कि अगर इस दुनिया में आपने किसी का जुल्म किया किसी का हक मारा है कल क़ियामत के दिन वो आएगा और अगर दुनिया में है तो दुनिया में भी बद लग सकती है जैसे सईद बिन जैद की दुआ उस औरत को लग गई थी तो लिहाजा दुनिया में भी बद लग सकती है बंदों के हकूक़ की काफ़ी अहमियत है हम एक माशरे में रहते हैं यहाँ ज़रूरी है कि हम इस्लामी मुआरह बनाएं सही तौर से जियें एक अच्छे इंसान एक अच्छे मुसलमान बनकर जियए हम हमारे जात से हमारे अखलाक़ से हमारे किरदार से किसी को तकलीफ़ ना हो अल्लाह रब हमें हर किस्म के शर से महफूज फरमाए हमारे ज़बान के शर से महफूज फरमाए हमारे किरदार के शर से महफूज फरमाए अल्लाह हमें किब्र से हसद से बचाए हर किस्म की बुरी बीमारी से महफूज़ फरमाए अल्लाह हमें जो कर्जदार हैं उनके कर्ज़ों को आसानी अता फरमा अः ला हमें जो बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमा जो हमें परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को आसानी में बदल दे मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं अल्लाह उनमें आसानी फरमा अल्लाह हम पे खैरों को मुसलत फरमा बुरों को हम पर मुसलत ना फरमा अल्लाह शैतान के शर से महफूज फरमा इंसानों के शर से महफूज फरमा अल्लाह हमें आपस के एक दूसरे के शर से भी हमें महफूज फरमा आमीन जजाकम्ला खैर आखिर में मैं अल्लाह का शिक्र गुजार हूँ कि अल्लाह हरबत ने मुझे कुछ बातें आपके सामने रखने का मौका दिया अल्लाह ज़ायखिर